हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको न्यू डिजाइन में ब्लाउज बताऊंगी जो हाफ नेट में होता है। उसके लिए हमने ये सबसे पहले देखिए हम आपको पेपर पे कट करके बताएंगे। जैसे कि इसकी पेपर की लंबाई है 13 इंच, हमें ये तैयार रखना है इतना। तो इसमें हम कपड़े में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ से हम अपना सबसे पहले तीरा नापेंगे जो हमारा 14 इंच है, तो उसका आधा करेंगे हम 7 इंच पर लेंगे, और इसके आर्म होल लेंगे हम यहाँ से 7 इंच, और इसे इससे मिला देंगे। इस तरीके से उसके बाद हम अपने ब्रेस्ट नापेंगे जो हमारी है 33 इंच, तो उसका हम फोर्थ भाग निकालेंगे, 8 आएगा, और उसमें हम 2 इंच कपड़ा लूजिंग के लिए लेंगे, तो इसे हम 10 इंच लेंगे यहाँ से। और जो नीचे से हम अपनी कमर लेते हैं वो यहाँ से, जैसे हमने 10 लिया तो यहाँ से हम 9 लेंगे, 1 इंच कम लेते हैं, और इसे इससे मिला देंगे। इसी में हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, और इसके जो हम बैक और फ्रंट के निशान लगाएंगे, बैक वाला होगा हमारा 1.5 इंच पर और फ्रंट होगा 1 पे, और यहाँ से इसे 3 इंच पर लेके और इसे ऐसे मिला देंगे इससे, और ये फ्रंट वाले को 1/2 इंच गहराई और लेंगे इसकी, इस तरीके से। उसके बाद हम अपना गले की साइड से नापेंगे इसे, वो है हमारा 6.5 इंच, और इसको यहाँ से ऐसे लेना है हमें, यहाँ से हमें ऊपर से ये 5 इंच पे लेना है, और इसको यहाँ से ऐसे रख के एक निशान ऐसे लगा देंगे इसमें, इस तरीके से। और इसकी इसी तरीके से कटिंग करेंगे, पहले हम ये बाहर के साइड की कटिंग करेंगे, और उसके बाद हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हमने ये कपड़ा कट किया है। ये देखिए, ये हमने इसी तरीके से कपड़े को कट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने नेट ली है इसके ऊपर लगाने के लिए, इसे हमने 2 लेयर में कर लिया है। उसके बाद इसे इसी तरीके से रखना है हमको। ये देखिए, यहाँ से ये इसी शेप में कट करना है दोनों पीस। ये देखिए, इस कपड़े को इसके ऊपर रख के बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें इसके ऊपर निशान लगाना है, इसके चारों तरफ ऐसे ही निशान लगा लेंगे। और इसको इसी तरीके से कट करेंगे। ये हमारे दोनों पीस हैं। ये देखिए, दोनों पीस की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये हमने 2 लेयर में की है, और इसे हमें ऐसे करके 4 लेयर में करना है कपड़े को, इस तरीके से। ये देखिए, ये भी हमारा 4 लेयर में ही है ऐसे, और इसको इस तरीके से रख के अब ये देखिए, ये नीचे से हमें सिलाई के लिए करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है नेट वाला कपड़ा। ये हमारा वो वाला पीस है जो हमारे ब्लाउज की कटिंग में ऊपर से निकला है, और इधर से हमें ये इसी के बराबर लेना है। इसको इसी तरीके से कट करेंगे हम।
अब ये देखिए जो हमने बुकरम ली है वो उसकी लंबाई तो हमने 18 इंच ली है और उसकी जो चौड़ाई ली है हमने वो हमने 11 इंच ली है। सबसे पहले तो हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद में इसे ऐसे करेंगे। ये देखिए ये हमें फोल्ड लेयर में करना है। ये देखिए सबसे पहले हम ऊपर का, ये देखिए फोर लेयर में कर लिया है इसको हमने, और ये 3 इंच लेंगे हम ऊपर से गले को। आप कम पहनती हैं तो वो कम लें, और जो इस गले की गहराई लेंगे वो हम 3.5 इंच लेंगे यहाँ से, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच रखेंगे, और ये जो टोटल लंबाई रखेंगे हम इसकी 8 इंच रखेंगे। तो यहाँ से इसे हम 2 इंच रखेंगे नीचे से, ये खुल के हमारा 4 इंच होगा, और इसको इस तरीके से मिला देंगे इससे। ये देखिए इस तरीके से, और नीचे से तो हमें डिस्टेंस नहीं रखना है, बाहर की साइड से इसमें हमें करीब 1-1 इंच का रखना है। ये अंदर की साइड फोल्ड होगा इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ से इसे सबसे पहले हम अंदर की साइड से कट करेंगे, यहाँ से इसे पूरे को कट कर लेंगे अंदर से। उसके बाद ये देखिए ये हमें जैसे हमने इसमें मार्किंग की है ऐसे ही ये कट करना है। इसे एक सार करके कट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे बैक वाले और फ्रंट वाले दोनों गले के लिए है ये। ये देखिए इस तरीके से आएगा ऐसे, इसकी दोनों की शेप इसी तरीके से आएगी। ये देखिए इस तरीके से आएगा, ये बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों सेम है। अब ये देखिए जैसे हमने बुकरम के ये हिस्सा काट के आए यहाँ से, तो ये 2 इंच था, यहाँ से हमें ये बिल्कुल भी, ये बैक वाला पीस है हमारा, इसमें 2 इंच का निशान लगाना है हमको यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद में हम इस तरीके से शेप देंगे इसकी। ये देखिए इसे ऐसे गोल कर देंगे यहाँ से। और इसे यहाँ से कट कर लेंगे, इसमें हमारी आई और की पट्टी आएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी 2 प्लेटें आएंगी, दोनों साइड हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए इसमें से हम बाजू कट करेंगे। यहाँ से हमने जो आर्म होल की साइड से हमने 9 इंच लिया है, आर्म होल हमारे 7 थे, और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम 6.5 इंच लेंगे। तैयार हमारी 5 इंच होगी। ये कपड़ा हमारा फोर लेयर में है, पहले इसे हम अलग कर लेंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसमें हम 2 इंच कपड़ा लेंगे खुले की साइड से, इस तरीके से निशान लगाएंगे इसमें, और यहाँ से अपने फिटिंग के हिसाब से रखें। और इसके जो फ्रंट में जॉइंट होगा उस हिस्से में हम 1/2 इंच की गहराई और देंगे। ये देखिए अब सबसे पहले जो हमारा ये फ्रंट वाला पीस है उसकी लाइनिंग पे भी हम प्लेट डालने का निशान लगाएंगे। यहाँ से हमने 4 इंच की दूरी पर लिया है,
और ऊपर की साइड भी हम इसे 4 इंच की रखेंगे। ऐसे हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। अब सबसे पहले इसे हम ऊपर से जॉइंट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसको पलट के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को ऐसे पूरे में लगा के तैयार करेंगे। अब ये देखिए, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर उसके लिए प्लेट के लिए निशान लगाया, इसको भी हम ऐसे प्लेट डाल लेंगे। ये करीब हम नीचे से 1 इंच चौड़ी डालेंगे और ऊपर से यहाँ से इस शेप में उतारेंगे। ऐसे ही हम दूसरी वाली प्लेट को डाल लेंगे। ये देखिए, ये दोनों प्लेट डाल के तैयार कर लिया। उसके बाद में हमें ये बैक वाला पीस तैयार करना है। इसी शेप में हमने इसके कपड़े को कट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी आर्म होल की साइड है और ये हमारी गले की साइड है। इस पर भी ऐसी सिलाई लगानी है। इसके ऊपर भी हम पलट के सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से इसका हम दूसरा वाला पीस तैयार करेंगे। ऐसे इस दूसरे वाले पीस को हमें तैयार करना है। अब ये देखिए, दोनों पीस हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आएंगे। उसके बाद हमें इसमें प्लेटें डालनी हैं, जो पीछे की साइड हमने प्लेट का निशान बताया है। तरीके से हम दूसरे वाले में भी प्लेट डालेंगे। ये देखिए, जो हमने गला कट किया था उसके लिए हमने ये जो बुकरम कट किया है इसे यहाँ पर पिनअप कर लेंगे। और इसके ऊपर ऐसे ही सिलाई करेंगे। और जैसे हम इस वाले गले को तैयार कर रहे हैं, ऐसे ही हमें बैक वाला गला तैयार करना है बिल्कुल। इसमें पूरे पे सिलाई लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए, इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर से हम कट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हमें कट लगाने हैं दोनों साइड में और इसको इसके ऊपर पलट के तैयार करेंगे। इसके ऊपर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है, इसमें जो नोक बनी हुई है और ऑरिव शेप में कटा हुआ, वो नीचे की तरफ रखना है और जो हमारा फ्लैट है बिल्कुल वो ऊपर की तरफ रखना है। और इसमें ऐसे करके बीच सेंटर में कट लगा लेंगे और इस जो हमने गला बनाया है उसके भी बीच सेंटर में कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक वाला पीस होगा। ये देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से मिला के रख देंगे इसके ऊपर और इसे यहाँ से पिनअप कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमें इसी तरीके से सिलाई को लगाना है। ये हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हमारा कपड़ा है जो वो सीधी साइड है कपड़े की।
और जो हमने ये यहाँ से वी शेप कट किया है इसमें भी ऐसे सिलाई को लगाना है। दोनों साइड से इसे लगाएंगे। अब ये देखिए इसे यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, हम सिलाई के लिए कपड़े को रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इसको, देखिए। और ये यहाँ से बीच से भी हम इसे कट कर लेंगे, ये हमारा बैक वाला पीस है इस तरीके से। और इसे यहाँ से कट लगाकर सिलाई ना करने पाए और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको अंदर को निकाल लेंगे यहाँ से अच्छे से इस तरीके से। इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए इसके ऊपर ऐसे ही अच्छे से सिलाई को लगा के तैयार कर लेंगे, ऐसे ही दूसरे वाले पीस पे लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक वाले पीस में जो लगेगा इस तरीके से लगेगा, ये तैयार हो चुका है, ये ऐसे बनेगा। इसमें हम आप बटन अटैच करेंगे, वो सिलने के बाद अटैच करेंगे जब पूरा सिल जाएगा। और ये देखिए इसमें तो हमने बुकरम से बनाया है, हमने बुकरम तो कट किया था लेकिन अब फ्रंट वाले में ये अलग नहीं करना है हमें, इस तरीके से ही बनाना है। तो इसको डबल लेयर में कर लिया है हमने ऐसे, और इसमें हम 3 इंच का गला कट, ये देखिए यहाँ से ऊपर से हम गले को 3 इंच लेंगे और नीचे को जो इसकी गहराई रखेंगे वो हम 3.5 रखेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। और नीचे से जो हम रखेंगे से जहाँ से हमें बीच से 1 इंच छोड़ने के बाद लेना है, यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे और उसके बाद इसे इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए हम आपको एक बार कट करके दिखाते हैं। यहाँ से नीचे से यहाँ से 2 इंच लेंगे इस तरीके से, और ऊपर से हम जो गला कट करेंगे भी इस तरीके से। ये हम बैक वाला पीस तो हमने बिल्कुल खुला किया है और इसे हम जॉइंट रखेंगे। उसके बाद इसमें हम एक और एक पट्टी कट करके लगाएंगे और इसमें भी, ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर हमने और एक मेकअप पट्टी कट की है, इसको सिल देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे इस पूरी पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए जैसे हमने इसे पलटकर यहाँ पर लगाया है, इसी तरीके से एक पट्टी को हमें यहाँ पर भी ऐसे ही लगाना है। देखिए इस तरीके से से निडल को नीचे करके मशीन को उठा के लेना है पाइपिंग को, देखिए इस तरीके से। और इसे भी हम अंदर की तरफ ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर एक बीच है, बीच में हल्का सा कट लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। अब ये देखिए ये हमने नीचे से इसे ऐसे फोल्ड करके तैयार कर लिया। उसके बाद हम इसे इन वाले पीसों में जॉइंट करेंगे, बैक वाले में। इसके ऊपर वाला हमें जो शोल्डर होता है वो जॉइंट करना है तीरा, देखिए ये इस तरीके से जॉइंट होगा इस पार्ट में और ये वाला इस पार्ट में। सबसे पहले हम इसे जॉइंट कर लेंगे। और इसे यहाँ से पक्का कर लेंगे। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से जॉइंट करके पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद में ये हमारे बैक वाले पीस हैं, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है।
तो सबसे पहले हम इसे फ्रंट वाले पीस में जॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये जॉइंट करना है हमको। ये देखिए यहाँ से और ये हमें इधर से, इसके बीचा बीच में यहाँ पर गैप रहेगा, ये इस तरीके से इसे हमें जॉइंट करना है। इसे हल्का हल्का दबाना है। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे जैसे हम सिलाई में थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हैं उसी तरीके से दबाना है, ये ज़्यादा ना दब जाए। और इधर से इसे हम फिर से यहाँ से इसे ऐसे जॉइंट करना है। और ये देखिए इस चीज़ का ध्यान रखें, हमें ये इधर से जॉइंट करके नहीं लाना है। अब हमने इधर से जॉइंट कर लिया, फिर से हमें इधर से जॉइंट करना है ये ऐसे। इस तरीके से जॉइंट करना है इसे। और यहाँ से इसे हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए ये फ्रंट वाला पीस जॉइंट हो गया है हमारा। उसके बाद में हमें ये बैक वाला पीस जॉइंट करना है। ये देखिए ये हमारे आई हुक की पट्टी है, ये हमारे गले की साइड है, ये हमारे आर्म होल की साइड है, और इसे हम गले की साइड से ही जॉइंट करेंगे यहाँ से। इसे पक्का कर लेंगे और फिर इसे यहाँ से ऐसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इसका एक पीस जॉइंट हो चुका है, और इसी तरीके से ये हमें दूसरा वाला पीस जॉइंट करना है इसमें। ये देखिए यहाँ से इसी तरीके से सेम इसे जॉइंट करेंगे हम। देखिए ये हमारे दोनों पीस जॉइंट हो चुके हैं, ये हमारे बैक वाले पीस हैं इस तरीके से। ये देखिए अब ये हमें आई और हुक वाली पट्टी जॉइंट करनी है। इसमें हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। ये देखिए इसके बाद इस पट्टी को हमें इस तरीके से और इसे एक्स्ट्रा को कट करेंगे, और बाकी जो भी है हमारे ये अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे हम पूरे पट्टी को। इसको इसमें हमारे हुक आएंगे। और इसी तरीके से हम ये बटन वाली पट्टी लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमें नीचे की साइड से लगानी है, उल्टी साइड से ऐसे शुरुआत करनी है इसकी। ऐसे हल्का सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और ये उल्टी साइड से रखेंगे हम इसके ऊपर। ये देखिए इसे हमें इस तरीके से बढ़मा पट्टी करके लगाना है ऐसे। इस तरीके से इसे फोल्ड करके पूरे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए अब हम बाजू को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरी बाजू बाजू को फोल्ड करेंगे जैसे हम इसे कर रहे हैं। इस पे पूरे पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए ये हमारा बैक वाला पीस है और ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। इसमें हम बाजू को अटैच करेंगे। बाजू को जो हमने 1/2 इंच का कर्व और दिया था, गहराई दी थी बाजू में, वो हमें फ्रंट पीस की तरफ रखने हैं। तो इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे इसमें।
इसमें ज्वाइंट करेंगे। जैसे हमने इस वाली बाजू को ज्वाइंट किया है, इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को ज्वाइंट करेंगे। इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, इसमें हमने दोनों बाजू अटैच कर ली है। उसके बाद में हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग आप अपने हिसाब से लगाएं, हमारी फिटिंग है 6 इंच। और इसमें ऐसे हम फिटिंग की सिलाई लगा के तैयार करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सिलाई हमें नीचे तक लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा इसी में ले लिया था। अगर आप अलग से पट्टी लगाना चाहें तो इसमें 1 या 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाकर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकती हैं। हम इसी में से कपड़े को फोल्ड करेंगे। देखिए, इसी तरीके से हम इसे पूरे को नीचे की साइड से बॉटम में से फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा पूरा ब्लाउज आपके सामने बनके तो तैयार हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।